as I welcome him to the podium for enlightening the audience with his thoughts and experiences about water conservation. Kindly join us at the podium, sir. जल मेरी भाषा है और नदी मेरी आवाज है, बोली है। ये किसी राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं की पालना नहीं करती, इसलिए आज के मंच पर विराजमान इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री महेश जी, देहरादून से आए श्री राकेश जी, यहाँ के रजिस्ट्रार श्री दादीश जी, शिक्षकों और विद्यार्थियों, ये 21वीं शताब्दी बहुत संकट की शताब्दी है। इसमें धरती को बुखार चढ़ रहा है और मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। इस धरती के चढ़ते बुखार और मौसम के बिगड़ते मिजाज को भारत का किसान भी समझ नहीं पा रहा है, इसलिए ये संकट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस संकट के समाधान के लिए यहाँ के कुलगुरु ने, वाइस चांसलर और यहाँ के एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट ने, सेंटर ने ये जो कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, इसमें अगले दो दिनों में हम सोच सकते हैं कि विद्यार्थी और शिक्षक और समाज और राज्य कैसे मिलकर इस समस्या की समाधान खोज सकता है। दोस्तों, पिछले 40 सालों से इस देश के सबसे संकटग्रस्त राज्य राजस्थान, जहां नेचर की एंगरनेस, प्रकृति का क्रोध सबसे ज्यादा होता है, उस जमाने में जब मैं गया, भारत सरकार छोड़ के जब मैं राजस्थान के गांव में गया, तो उस जमाने में हमारे गांव की औरतें गीत गाती थी। ये जो गीत है ये इसको छोड़ दो, रहने दो, इससे कुछ नहीं होगा। वो गीत आपको सुन लेना चाहिए, उस गीत से आपको बात समझ में आ जाएगी। उस जमाने में मेरे गांव की औरतें जो गीत गाती थी, वो गीत था, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां, मैं नहीं जानती। मैं तरसती हूं, तड़फती हूं, बादल से निकली एक बूंद पकड़ने को, पर वो निष्ठुर है, वो बरसता नहीं है मेरी जमीन पर, मेरे घर पर, मेरे खेत पर। मेरा कुआं सूख गया है, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू दोनों लड़कर गांव छोड़कर चले गए हैं, मैं अब अकेली हूं। चारों तरफ वीरानगी है, लाचारी, बिकारी और बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरी खुशियां चली गई हैं। अभी उस गांव की औरतें क्या गीत गाती हैं, वो भी सुन लीजिए। अब बादल आता है मेरे गांव में, बरसता है वो, रूठता नहीं है, मैंने सीख लिया है उसको पकड़ना। अब वो बादल बरसता है मेरे खेत पर, कुएं में आ गया है पानी, जैसे ही पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा और बहू दोनों चले आए हैं घर, मेरा बेटा और बहू चले आए हैं घर। अब मुझ पर बुढ़ापा है,
लेकिन गांव की हरियाली ने खुशहाली ला दी है मेरे जीवन में, लेकिन गांव की हरियाली ने खुशहाली ला दी है मेरे जीवन में। जैसे ही पानी आया कुएं में, बेटे और बहू की लड़ाई मिट गई, बेटे और बहू की लड़ाई मिट गई, अब वो दोनों साथ रहते हैं, अब वो दोनों साथ रहते हैं मेरे घर में, देखभाल करते हैं मेरी, मेरे खेत की, मेरे कुएं की, मेरे घर की। हरियाली के साथ साथ लौट आई है मेरी खुशहाली मेरे जीवन की। अब इन दोनों गीतों को वही महिलाएं गाती हैं जो महिलाएं बादल के रूठने के गीत को गाती थी। ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है, ये उसी की चिंता है कि ये जो अंग्रेजी में जिसको ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कहते हैं, हिंदुस्तान का किसान जिसे धरती का बुखार और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, और अब बादल का पता नहीं चलता कि कब आएगा, कब रूठ कर चला जाएगा। भारत 90 एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन का कंट्री है, जिस देश में 90 एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन हो, उसकी पॉलिसी एक जगह से बनती हो, एक जैसी बनती हो, तो उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ विजडम से। उसके डेवलपमेंट की पॉलिसी की जो ओपनिंग है, जो एंट्री पॉइंट है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ विजडम से शुरू होती है और फाइनली डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर लेके आती है। यदि आप अपनी कंट्री को देखें, ये कौन ऑपरेट कर रहा है मेरा प्रेजेंटेशन? अच्छा लगा, इन्होंने जो शब्द चुने हैं वो सुंदर हैं, सरल हैं और आज की परिस्थिति की चिंता मन में पैदा करते हैं और उसको सुधारने का जज्बा भी पैदा करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो जिन्होंने आज की इस कार्यशाला का टाइटल चुना, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो 21वीं शताब्दी है, इस शताब्दी में ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, इस मॉडर्न एजुकेशन को समझना बहुत जरूरी है कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है। हमारे देश में तीन तरह की एजुकेशन है, एक है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, दूसरी है सोशल साइंस और तीसरी है मैनेजमेंट। इन तीनों को जानना जरूरी है कि ये तीनों शिक्षा की विधियां हमें किस तरफ लेके जाती हैं, किस दिशा में लेके जा रही है। यदि हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को देखें तो पिछले करीब 120 सालों से हमारी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हमें नेचर को एक्सट्रैक्ट करने की पढ़ाई पढ़ाती है कि हम नेचर को कैसे मैक्सिमम यूज करें और जल्दी से जल्दी कैसे कर लें। तो एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी और एक्सट्रैक्शन की इंजीनियरिंग इस देश की आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और सारी यूनिवर्सिटी पढ़ाती हैं। तो जब हमारी एजुकेशन में केवल एक्सट्रैक्शन हो और नरिशमेंट की पढ़ाई ना हो, नेचर की नरिशमेंट की चिंता ना हो, तो जो क्राइसिस आज हम फेस कर रहे हैं, ग्लोबली फेस कर रहे हैं, वो क्राइसिस आने वाली है। आज कुलगुरु ने, इसी ने जब ओपनिंग की और कोरोना को कोट किया, तब उसने केवल एक अच्छे टीचर की तरह, बेस्ट टीचर की तरह बोला, उसने गुरु की तरह नहीं बोला। यदि वो गुरु की तरह बोलता तो जरूर कहता कि इस देश की गंगा के अंदर 17 डिजीज को नष्ट करने वाला बायोफार्म था। आज वो नहीं बचा है, शायद कोरोना के वायरस को खत्म करने वाला गुण हमारी नदी गंगा के गंगा जल में होता, क्योंकि हमारे विकास ने उसको बिगाड़ दिया है
उसको नष्ट कर दिया, इसलिए आज हम नहीं कह सकते कि हमारी गंगा में कोरोना को कंट्रोल करने की शक्ति है, नहीं बोल सकते। तो विकास की जगह जिसको हम विकास कहते हैं उसके जगह विनाश के रास्ते बनाए, इसलिए अब जो बन गया सो बन गया, इसको गाली देने से काम नहीं चलेगा। अब हम कैसे बेहतर हो सकते हैं वो देखने की जरूरत है। यदि हम गाली देंगे तो बिल्कुल वैसे ही बेकार लोग होंगे जो कभी अच्छा करने के लिए ना तो सोचते ना करते। जिनको अच्छा करना होता है वो कभी किसी को गाली नहीं देते, वो कभी किसी को बुरा नहीं कहते। इसलिए आज हम इस हाउस में, इस कॉन्फ्रेंस में अच्छा क्या कर सकते हैं, केवल वो बात करनी है। इसलिए दोस्तों, ये जो हमारी 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हैं, आगे जाइए छोड़ दीजिए, यदि आज हम देखें तो इस देश दुनिया में एंगरनेस ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट की एंगरनेस बहुत ज्यादा है। एक वो 16 साल की एक लड़की, वो जनरल असेंबली ऑफ यूएन एंड यूरोपियन पार्लियामेंट एंड स्वीडन पार्लियामेंट, उसमें बहुत गुस्से से बोलती है। और जब वो गुस्से से बोलती है तो जनरल असेंबली उसको बहुत पॉजिटिवली सुनती है, वो उस पर एंगरनेस नहीं कर रही है। देखा तुमने, कोई चार्ज वार्ज नहीं लगाया, बहुत पॉजिटिवली सुना। जब भारत की लड़की पद्मावती गंगा के लिए 82 दिन से आमरण अनशन कर रही हो और इंडियन पार्लियामेंट में 3 बार वो सवाल उठा हो, तो भी उसको पॉजिटिवली कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मैं किस गंगा की बात कर रहा हूं, जो इस देश की सिविलाइजेशन और कल्चर का सेंटर रही है, जिसके किनारे इस देश की सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों बनी है। तो दोस्तों, हमें यह देखना होगा कि हम एंगरनेस को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं। एक तरफ यदि उस ग्रेथा की एंगरनेस है तो किसके लिए है, वो कॉमन फ्यूचर के लिए है, वो कॉमन फ्यूचर की चिंता कर रही है। गुस्सा है, थोड़ा गुस्से में बोलती है, एक तरुण लड़की है तो जब थोड़ा गुस्से में बोल रही है तो सुन लो, लेकिन वो बोल किसके लिए रही है वो तो देख लो कम से कम। ऐसे ही पद्मावती को यदि ये देश देखता कि वो आमरण अनशन कर रही है क्योंकि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने 111 दिन, जो भारत का पहला साइंटिस्ट था नदियों के ज्ञान का, जिन्होंने रिवर साइंस में पीएचडी 1962 में बर्कले से की, उस जमाने में केवल बर्कले में रिवर साइंस पढ़ाई जाती थी, वो साइंटिस्ट अपने प्राण दे देता है। और वो लड़की 23 साल की, वो कहती है भाई यदि मेरे गुरु ने मां के लिए प्राण दे दिए तो मैं क्यों नहीं दे सकती। कितना ही तो कह रही है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसकी डिमांड है मेरे गुरु ने जिस काम के लिए अपनी लाइफ दी तो मैं क्यों नहीं दे सकती, क्या मैं लड़की हूं इसलिए नहीं दे सकती। लड़कियां भी इस देश की लड़कों से कभी पीछे नहीं रही, इसलिए ये काम इस बार मैं करूंगी। गुरुजी ने बहुत मना किया कि तुम मत करो आंसर, ये सरकार नहीं सुनेगी। बोली नहीं सुनेगी तो मेरा गुरुजी चला गया तो मैं भी चली जाती हूँ, मेरे जाने से कौन सा इस देश का नुकसान होगा, लेकिन नदी के जाने से नुकसान होगा। यदि ये गंगा मर गई तो देश की स्पिरिचुअल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, ऑल इकोनॉमिकल फ्लो इफेक्ट होंगे। केवल स्पिरिचुअल और कल्चरल फ्लो इफेक्ट होंगे ऐसा नहीं सर, ऑल फाइनेंशियल, सोशल, सिविलाइजेशनल, जितने भी हमारे इंसानी फ्लो होते हैं वो सब के सब इफेक्ट होंगे। इसलिए उस लड़की ने कहा कि मुझे जाना है, यदि मेरा गुरु गंगा के लिए अपने प्राण दे सकता है तो मैं केवल लड़की हूं इसलिए नहीं दे सकती क्या। लड़कियां कभी लड़कों से पीछे नहीं रही, वो हमेशा आगे रही है। और वो बोलती क्या है, वो बोलती है कि हम दुनिया के गुरु तब तक थे जब तक भारत में नीर, नारी और नदी का सम्मान था। जब तक भारत नीर, नारी और नदी का सम्मान करता था तब तक हम दुनिया के टीचर थे, ग्लोबल टीचर थे, दुनिया को सिखाने के लायक थे। जब से इन तीनों का सम्मान इस देश में नहीं बचा तब
तब से ये देश दुनिया को सिखाने के लायक नहीं बचा है। तो कभी कभी हम लोग कुछ चीजों को गुस्सा मान लेते हैं। अब लोग मान रहे हैं कि ये लड़की गुस्से में बैठी है, आमरण अनशन कर रही है, और सरकार ने जबरदस्ती उसको उठा के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कर दिया। पिछले 20-25 दिन से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं उसके आंदोलन की एडवोकेसी करने इस हाउस में नहीं आया, मैं उसकी एडवोकेसी भी नहीं कर रहा, बट मैं ये कहने की जरूरत समझ रहा हूं कि हमारे कुलगुरु ने जिस कोरोना को ओपनिंग स्पीच में कहा, उस कोरोना का वायरस का रिश्ता हमारी नदियों के पानी के साथ है, उसको भी समझ लेना चाहिए। जब किसी देश की नदियां शुद्ध नहीं रहती, जब किसी देश की नदियों का पानी ठीक नहीं रहता, तो फिर बीमारियों से लड़ने की ताकत इंसानों में बचती नहीं है, और फिर नए डेवलपमेंट के डिजास्टर पैदा होते हैं। इसलिए ये जो कोरोना है, ये हमारे डेवलपमेंट का डिजास्टर है, और इस डिजास्टर का रिश्ता नदियों के साथ बहुत गहरा है। इसलिए मैं यहाँ से आपको आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, यदि हम इस वक्त जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में लेके जाए, तो हम दो तीन चीजें देख सकते हैं कि आप भारत की हाल क्या है इस वक्त। भारत सत्रह राज्यों के 365 जिलों में ड्राउट है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, 190 जिलों में बाढ़ है। हमारी पहली प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि केवल 232 गांव भारत के 900 सूबे थे जिनके पास अपना पानी नहीं था। अभी भारत के लाखों गांवों में पानी है। तो ये बढ़ती बाढ़ और बढ़ता सूखा, आजादी के वक्त जितनी जमीन पर बाढ़ आती थी और जितने जमीन पर स्केर्सिटी ऑफ वाटर था, ये डिजास्टर आया है। हमारा 72% अंडरग्राउंड एक्वीफर ओवरड्राफ्ट हो गया। हमारा जो असली बैंक है वो आरबीआई बिल्कुल नहीं है। आरबीआई केवल इंडियन करेंसी को रेस्पेक्ट दिलाता है दुनिया में। आरबीआई का रोल है कि वो अपनी इंडियन करेंसी को प्रोटेक्ट करे और उसका ग्लोबली रेस्पेक्ट बढ़ाए, लेकिन वो बैंक नहीं है जो आपके लिए करेंसी बनाता हो। बैंक तो ये अंडरग्राउंड एक्वीफर्स हैं। यदि इनमें पानी नहीं होगा तो ना आपकी खेती होगी, ना आपकी इंडस्ट्री होगी, ना आपकी यूनिवर्सिटी चलेगी, और ना आपकी पढ़ाई चलेगी बिना पानी। तो जो असली बनाने वाला है वो तो ये पानी है, और वो पानी भी जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर बैंक है वो रियल बैंक है। वो आज की तारीख में 72% ओवरड्राफ्ट हो गए। ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस का कौन सी शिक्षा में समाधान था? जब हमारी डिसइंटीग्रेटेड एजुकेशन नहीं थी, जब हम टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को और साइंस को सेपरेट करके नहीं पढ़ाते थे, उस जमाने में जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे वो उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी पढ़ने के लिए। आप लोग फॉर्चुनेट हैं कि आप एक हॉल में बैठ के बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि जब मुझे पढ़ाया गया, मैं तो मेडिकल साइंस का डॉक्टर था, तो मैं अपनी वो पढ़ाई छोड़ के एक दिन में मेरे टीचर ने मेरी पढ़ाई भुलाई मुझे, और दूसरे दिन मेरी उसने एक दिन में जियो हाइड्रो साइंस में पीएचडी कंप्लीट की। कैसे की वो जरा जल्दी समझ लो। आप देखें, जरा इस स्लाइड को देखें कि जहां पर धरती में इस तरह के कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स है उसके नीचे डैम नंबर 1 बना है। जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स होते हैं उनको कैसे जाने की धरती में किस तरह के फ्रैक्चर है। तो मेरे टीचर ने चमड़े के चरस में बैठा के 150 फीट गहरे जो कुएं थे उसमें मुझे डाल दिया, और 5 मिनट बाद बाहर निकाल के पूछा, अरे तन्ने काई देखा कुएं में? मैंने कहा, काका ये कुएं में तो ऊपर से नीचे ताई सल्च है। तो बोला, देख अठे पेड़ कहीं छे। तो वहां पर जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं जमीन में, वहां लंबे पेड़ होते हैं, डीप रूटेड पेड़, और जहां हॉरिजेंटल फ्रैक्चर होते हैं वहां पेड़ नहीं होते, वहां झाड़ियां होती है।
जहां पर इस तरह के हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स होते हैं वहां पेड़ कभी नहीं होते। तो यदि आप अपनी नदी के रिश्ते जानना चाहते हैं, रिवर बेसिन मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अंडरग्राउंड एक्वीफर को समझना होगा। आप जब रिवर की डेफिनेशन तय करते हैं तो हिंदुस्तान की रिवर्स में मुश्किल से मुश्किल 0.2% रिवर ऐसी हैं जो ग्लेशियर से आती है। फिर बाकी रिवर कहां से आती है? बाकी रिवर कैसे बनती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिवर? दिस हाउस कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ रिवर? यस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर? किसे नदी कहते हैं? नदी वो होती है, फ्लो तो कैनाल भी करती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द कैनाल एंड रिवर? सो फ्लो इज नॉट द रिवर। नदी तो सूखी हुई भी होती है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिवर? द रिवर डेफिनेशन ऑफ द रिवर वेयर, हिंदी में बताता हूं, जब जल हिमगिर से या धरती के गर्भ से, हिमगिर या धरती का गर्भ से निकलकर बाहर आता है और वो आजादी से चलता है। कैनाल में कभी आजादी से पानी नहीं चलता, द फ्लो विद फ्रीडम। जब आजादी से चलता है तो मिट्टी और हवा का स्पर्श और सूरज की किरणें, आजकल आपको मालूम है दुनिया में करीब करीब 30% नदियां पाइप में बहती हैं, उनको आप नदी कहोगे कि पाइप सप्लाई कहोगे? अमेरिका की सबसे बड़ी ओम्स वैली, वो पूरी की पूरी 400 किलोमीटर पाइप में बहती है, इतना ऊंचा पाइप है उसका, क्या कहोगे उसको? यू कैन से द रिवर। आपको करना पड़ेगा, फिर आपको रिवर के डेफिनेशन में मैडम ये तीन बातें जोड़नी पड़ेगी, जो मिट्टी के स्पर्श के साथ और हवा का स्पर्श और सूरज की किरणों के साथ बहती हो वो नदी होती है। उस नदी को बनाने में धरती का गर्भ का रिश्ता बहुत गहरा है, और इस गहरे रिश्ते को हमारे इंजीनियर नहीं जानते। माफ करना जो इंजीनियर बैठे हैं, बताइए आपको ये पढ़ाया जाता है क्या इंजीनियरिंग में कि जब आप डैम बना रहे हो तो सरफेस के ऊपर जो आप रिजर्वायर क्रिएट कर रहे हैं उसमें एवोपरेशन लॉस रोकने के लिए कितने % पानी अंडरग्राउंड रिजर्वायर बैंक में आपको बचा के रखने की साइंस पढ़ाई जाती है? तो हम जब साइंस और इंजीनियरिंग को अलग अलग पढ़ाते हैं सर, तब इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल मैनेजमेंट की संभावनाएं बचती नहीं है। इसलिए यदि हमें पढ़ाना है तो फिर साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को इंटीग्रेट करके पढ़ाना होगा, और इसे 21वीं शताब्दी में यदि नहीं पढ़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अभी तक तो आपका चल गया, क्योंकि अभी तक आपके पास खूब पानी था तो आपने सरफेस के ऊपर लार्ज डैम वगैरह बना के जो सत्यानाश करना था कर दिया। आप सत्यानाश के दिन नहीं है, चलेगा नहीं आगे। अब तो आपको यही देखना पड़ेगा कि हम एवोपरेशन लॉस कैसे रोक सकते हैं। सर, यदि आप एवोपरेशन लॉस नहीं रुकेंगे तो आपके लिए ना पीने के लिए पानी मिलेगा ना जीने के लिए मिलेगा। आपको यदि आगे जाना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी धरती के एक्वीफर के कैरेक्टर कितने होते हैं। हमारी नदियों में 6 तरह के एक्वीफर होते हैं, और ये एक्वीफर कभी भी इंजीनियर को पढ़ाई नहीं जाती। तो इंजीनियरिंग पढ़ने वालों को जियो हाइड्रो साइंस पढ़ाए बिना आप नदी बेसिन का काम नहीं कर सकते। हमें यदि एक चीज भारत के ज्ञान से सीखनी है तो इस स्लाइड से सीख सकते हैं। ये गच्छीसर ताल है, गच्छीसर ताल में देखिए यहां हाथी है। उस जमाने की इंजीनियरिंग में ये इंक्लूड होता था, जिसको सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो रियल सिविल इंजीनियरिंग होती थी, वो क्लास में पढ़ाई नहीं जाती थी, वो सिविल सोसाइटी में जाके समझाई जाती थी। ये जो हाथी है, जब गच्छीसर ताल में हाथी के पैरों में पानी आता है तो राजा, प्रजा और महाजन तीनों पाल पर बैठकर
समझते हैं कि 1500 ऊंटों को 15 लीटर पानी और 200 व्यापारी जो जैसलमेर के रास्ते काबुल कंधार काजिस्तान का व्यापार करते थे, 200 व्यापारी रोज आते जाते थे उस रास्ते से, उनको 10 लीटर पानी देने की व्यवस्था है 365 दिन की। हर नागरिक को मालूम था कि जैसलमेर के गढ़सीसर ताल में पानी कितना है। जब पानी का लेवल घोड़े के पैरों में आता है सर, तो इंजीनियर को नहीं, जनता को पहले पता चल जाता है कि अब उनके पास 730 दिन का पानी मौजूद है, मतलब 2 साल का पानी मौजूद है। तो ये जो हमारी ट्रांसपेरेंसी थी पानी के मैनेजमेंट के बारे में, वो ट्रांसपेरेंसी आज हमारी बची नहीं है। और उसको काम करने वाले ये सब गांव के लोग होते थे। रिसोर्स मैपिंग से लेकर साइट सिलेक्शन एग्जीक्यूशन, सारे डिसीजन नदी के बारे में गांव के लोग करते थे, कम्युनिटी करते थे। इसलिए वो कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का नमूना था। जब तक इंडिया में कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट चला, तब तक भारत की नदियां शुद्ध सदा नीरा होकर बहती रही। तो यदि आपको नदियों को जिंदा करना है, तो सबसे पहले जल की भाषा को समझना होगा और फिर नदियों की आवाज को सुनना होगा। यदि आप जल की भाषा नहीं समझेंगे और नदियों की आवाज नहीं सुनेंगे, तो आप रिवर बेसिन मैनेजमेंट और उसके साथ जो उसका इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम को रिवाइव करके क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन के रास्ते पर नहीं जा सकते। तो पहली शर्त है कि आप द लैंग्वेज ऑफ वॉटर एंड द वॉइस ऑफ द रिवर, इसको समझने की बहुत जरूरत है। यदि हम उसको समझेंगे तो गांव के लोगों से अभी भी सीख सकते हैं। आजकल का कोई इंजीनियर कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम प्रपोज नहीं करता। करता है क्या? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके बाप का पैसा खर्च नहीं होता। पैसा खर्च किसका होता है? सरकार का। तो वो बजाय कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाने में, कॉन्वेक्स डिजाइन में आपको आयरन स्टील और सीमेंट कॉन्क्रीट की जरूरत नहीं होती। वो जो उसका पानी का प्रेशर है, उसको वो कॉन्वेक्स डिजाइन डिवाइड कर देता है। लेकिन हमारा जो मॉडर्न इंजीनियर है, उसमें आयरन और स्टील डाल के उसको वो सीधा बना देता है, कहता है आयरन स्टील इसके फोर्स को। तो जब तक हम कम्युनिटी और नेचर, इन दोनों की फ्रेंडशिप को और इनको दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं चलेगा। तो हमारा वन हैंड द रेस्पेक्ट ऑफ रिवर एंड रेस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ द नेचर, इन तीनों को इक्वल लेवल पे नहीं लेके आएंगे, तब तक आपका रिवर इकोसिस्टम सस्टेनेबल नहीं बनेगा। मैं आपसे इतना कह दूं कि ये जो तालाब है, ये कॉनकेव स्ट्रक्चर का डैम क्यों बनाते हैं? ये कॉनकेव स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं कि इस मिट्टी में लाइम कंटेंट है। लाइम कंटेंट में जब पानी इकट्ठा होता है, तो वो नेचुरल तरीके से प्यूरिफाई होता रहता है और कभी बिगड़ता नहीं है। और यहाँ नेचुरल डिप्रेशन है, तो जहां नेचुरल डिप्रेशन मिलता है, वहां हमारे गांव के लोग कॉनकेव डिजाइन बनाते हैं। और जहां जेंटल स्लोप मिलता है, वहां सीधी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जहां स्टीप कॉन्वेक्स, वहां पर कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाते हैं। तो जब तक हम नेचर का जो गुण है, नेचर की जो पावर है, नेचर की जो शक्ति है, उसको रेस्पेक्ट के साथ यूज करना नहीं सीखेंगे, जब तक हमारे अंदर नेचर की पावर का रेस्पेक्ट नहीं होगा। और नेचर सबसे बेस्ट टीचर होती है। जब तक नेचर को हम बेस्ट टीचर नहीं मानेंगे, तब तक सर आपका रिवर बेसिन का सस्टेनेबल मैनेजमेंट का रास्ता नहीं खुलता। दोस्तों, हमने कुल 11,800 डैम बनाए, उसके कारण 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए। 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए दोस्तों, इन 2.5 लाख कुओं ने 17 लाख लोगों को शहरों से वापस अपनी जमीन पर खेती करने के लायक बना दिया। 17 लाख लोगों, मैंने तो इसमें एक पैसा खर्च नहीं किया सर, और अपनी बुद्धि भी नहीं लगाई। बुद्धि भी लोगों की, काम भी लोगों का, किसी सरकार से एक पैसा नहीं लिया इन 11,800 डैम बनाने के लिए। तो आप पूछ सकते हैं, भाई जी इस कंगाली में काम कैसे हुआ है? हमारे जो गांव के लोग, जो गांव के महाजन थे, वो उजड़ के दिल्ली बंबई कलकत्ता चले गए थे। मैंने अपने गांव के लोगों को कहा,
कि ये जो तालाब पुराने जमाने में जिन्होंने बनाए थे उनको ढूंढो कहाँ है वो। उन्होंने सबने ढूंढा और ढूंढ के मैंने कहा एक साफा लेके जाओ, थोड़े हल्दी और थोड़े चावल लेके जाओ उनके पास, उनको कहो हम ये तालाब बना रहे हैं, पैसा मत मांगना उनसे, तुम भिखारी नहीं हो कि उनके घर जाके पैसा मांगो, तुम गांव के दाता हो, दाता की तरह बात करना। आप जानेंगे कितने इमोशंस हैं अभी भी इस कंट्री में, कितने इमोशनल रिलेशन है इस कंट्री में, बावजूद इसके कि हमारी एजुकेशन के पॉल्यूशन ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर भी एक इमोशंस बचे हुए हैं इस देश में। हमारे गांव के लोगों ने जाके कहा साहब वो आपके दादा ने वो जोहर बनाया था पांच बीर वाला, अब वो मर गया, उसको ठीक करना है, आपसे पूछने आए हैं। कौन पूछता भाई, 100 साल पहले बना था, अब तो 20-30 साल में कब्जे हो जाते हैं। हमने कहा अच्छा मेरे दादा ने बनाया था, हमने कहा हाँ। तो फिर पूछा तब मेरा दादा तो यार बिना कुछ हाथ में लिए भग के आया था दिल्ली। उसने कहा नहीं, जब वो गांव में रहते थे 100 रुपए थे उनके पास, तो 100 रुपए में उन्होंने एक तालाब बनाया। तो ये जो बड़ा सेठ जी था ये तो अरबपति हो गया, तो अरबपति को एकदम शर्म आई कि यार 100 रुपए जब मेरे दादा के पास थे तब उसने गांव का एक तालाब बनाया था। तो ये इनके अंदर भी जब आप बराबरी से बात करते हैं तो इनके इमोशंस और हार्मोन्स बदल जाते हैं। तो उसने कहा अच्छा तो मैं जाके देखूंगा उस तालाब को। तो सेठ जी इन सारे लोगों को अपनी कार में लेके वो गांव पहुंच गया और गांव जाके देखा तो तालाब तो बिल्कुल मिट्टी से भरा हुआ था, केवल उसकी सीमाएं बची थी। तो उसने कहा कितना पैसा लगेगा, उसने कहा साहब हमें पैसा मत दो, हमें तो तालाब दे दो। तो फिर चेकबुक लिखने लगा, साहब चेकबुक हम नहीं जानते, हमें तो तालाब चाहिए, ना आपका चेक चाहिए ना पैसा चाहिए। आप ताज्जुब करेंगे उसके बाद दादा ने एक छोटा सा तालाब बनाया था और इस यंग बिजनेसमैन ने 11 तालाब बनाए। मैं कहना क्या चाहता हूं इस बात के पीछे कि अभी भी हिंदुस्तान जिंदा है, अभी भी हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल सारा ज्ञान मरा नहीं है, अभी भी इंडिजिनस नॉलेज जिंदा है। यदि हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करें, यदि हम उसको रिजुनेट करने की कोशिश करें तो अभी भी हम दुनिया के टीचर बन सकते हैं। अभी भी हमारे अंदर बहुत कुछ बचा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने बहुत कुछ खोया है, पर फिर भी हम बहुत आगे हैं। अभी भी यदि आप आज देखें, देखो अफ्रीका के लोग जब उजड़ के यूरोप जाते हैं और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन के लोग जाते हैं तो पता है उनको क्या कहते हैं, यूरोपियन क्लाइमेटिक रिफ्यूजी आया है, क्लाइमेटिक रिफ्यूजी आया है। जब इंडियन जाते हैं तो कहते हैं हाँ देखो ये खुद भी कमाएगा और हमारे लिए भी कमा के देके जाएगा, खुद भी कमाएगा हमारे लिए कमा के देके जाएगा। ये है हमारे इंडियंस के बारे में पूरी दुनिया में अभी भी ये इंप्रेशन। अभी भी हम जाके वहां मारकाट नहीं करते, हम कभी किसी को नहीं सताते, हम अपनी कमाई में से उनको टैक्स भी देते हैं और उनके घर का किराया भी देते हैं। इसलिए अभी भी इंडियन की रेस्पेक्ट यूरोप और अमेरिका में बनी हुई है, लेकिन अफ्रीकन और यूरोप सेंट्रल वेस्टर्न यूरोपियन जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजी आ गए हैं। इसलिए दोस्तों अभी तक जो हमारी तस्वीर है इस दुनिया में वो अच्छी है, लेकिन यदि हमारा 72% अंडरग्राउंड एक्वीफर ओवरड्राफ्ट हो गया तो हम कब क्लाइमेट रिफ्यूजी बनने वाले हैं इसकी चिंता इस हाउस में होनी चाहिए। ये हमारी अर्जेंसी है कि इमरजेंसी है, इसको हमें इमरजेंसी की तरह हैंडल करना चाहिए कि अर्जेंसी की तरह हैंडल करना चाहिए, मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए पहला पॉइंट सामने रखना चाहता हूं। अगले 2 दिनों में ये जो क्लाइमेट चेंज का मसला है और ये जो रिवर रिजुनेशन आप करना चाहते हैं, उस रिवर बेसिन इकोसिस्टम को यदि आप रिवाइव करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पानी को समझना होगा कि आपके पास अंडरग्राउंड एक्वीफर का सिनेरियो क्या है और उसको आप कैसे रिवाइव कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको रिवर को समझना है तो देखो ऐसे देख लीजिए, सबसे पहले सब सरफेस के कुएं सूखते हैं, फिर अंडरग्राउंड ट्यूबवेल सूखते हैं, फिर ट्यूबवेल के बाद जल्दी से डीपर एक्वीफर बोरवेल सूखते हैं और बोरवेल के बाद फिर पाताल तो कुएं सूखते हैं। ये 3 सेक्शन है हमारा यहां तक।
बोरवेल यहां तक, ट्यूबवेल यहां तक और कुआ तो बस यहीं तक होता है। जब आपके चारों लेवल पे पानी नहीं बचता तो आपकी नदी मर जाती है, सूख जाती है। नदियों को जिंदा करने की साइंस बहुत सिंपल है। क्या है? जहां दौड़ता है जल उसको चलना सिखा दो। जब चलने लगे तो पकड़ के धरती के पेट में बैठा दो, फिर उसको सूरज की नजर ना लगेगी, कुएं में पानी आ जाएगा और नदी बहने लगेगी। कैसे बहती है नदियां? ये नदी है, ये अरवरी नदी है। 1985 जब लोग बेपानी होकर गांव छोड़ के जा रहे थे, ये वही नदी और वही पहाड़ है, वही नदी है और दोनों फोटोग्राफ 20 फरवरी के हैं। ऐसा नहीं है कि एक अप्रैल का है और एक जुलाई का है। तो आप समझ सकते हैं कि नदियों में कैसे परिवर्तन होता है। जब आप नदियों को प्यार करने लगते हैं तो नदियां आपको प्यार करती हैं। नदियों के प्यार का तरीका यह है कि यह नदी का उद्गम है, आप नदी का संगम देखिए। वो पेड़ जब काम शुरू किया था तब नदी ऐसी सूखी थी, अब पेड़ भी बड़ा हो गया और नदी भी बहने लगी। सिंपल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन काम चाहती है, हाथ चाहती है, केवल जुबान नहीं चाहती, पसीना चाहती है, प्रेम चाहती है, मोहब्बत चाहती है। नदी मोहब्बत के बिना नदी बहती नहीं है। नदी को मोहब्बत करोगे तो नदी बहने लगेगी, यही नदी का गुण है। दोस्तों, जब मुझे 2015 में ये वाटर नोबल प्राइज, जिसको स्टॉकहोम प्राइज कहते हैं, ये अनाउंस हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्टों के पेट में दर्द हो गया, बहुत दर्द हुआ। कैडा उन्हें कहा, ये राजेंद्र सिंह तो आयुर्वेद का आदमी है, ये साइंटिस्ट कहां है? और ये अवार्ड तो केवल साइंटिस्टों को मिलता है। तो भारत सरकार ने एक बड़े साइंटिस्ट थे सीएस झा और चार साइंटिस्ट और उनके साथ लगा दिए, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी और उनको कहा कि इनके काम का इंपैक्ट जल्दी बताओ, क्योंकि हमें काल गुस्ताफ को इसका रेस्पॉन्स देना है कि भाई क्या इस काम का असर क्या है। तो इन चारों वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करके ईमानदारी से 4 महीने में हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज थी, 11,000 वाटर बॉडीज को जीआईएस पे लेके आना एक आध दिन का खेल तो है नहीं। और हम तो इतने वो प्रोजेक्ट वाले लोग नहीं है, हम तो बिना पैसे में काम करने वाले लोग थे, तो हमें क्यों प्रोजेक्ट बना के उसका लिखना पढ़ना करना था। तो जिनका काम था वो अपना डॉक्यूमेंट बना रहे थे, सबका एक इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट नहीं था, इन लोगों ने अद्भुत डॉक्यूमेंट बनाया। उसकी मैं बस एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो रेड कलर है ये ग्रीनरी है, जब रिमोट सेंसिंग में आता है तो फेक कलर हो जाता है। तो ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर आपको बताता है इमेंस इंक्रीज इन वेजिटेशन इज क्लियरली विजिबल इन द रीजन। झा साहब जिस दिन पूरी करके जा रहे थे उस दिन ये स्लाइड देके मुझे बोले, राजेंद्र ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, लेकिन यार ये काम इतना अच्छा है कि कम से कम तुम्हें एक स्लाइड तो दे दूं, मैं स्लाइड देके जा रहा हूं पर मेरा नाम मत लिखना। तो मैंने कहा आप ये स्लाइड सर वापस ले जाइए, क्योंकि बिना नाम लिखे तो मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि मैं तो रिमोट सेंसिंग का आदमी नहीं हूं, मुझे कुछ तो कोट करना पड़ेगा कि ये किसका अध्ययन है। तो उसने कहा ठीक है कर लेना, कोई बात नहीं। तो ये रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने 4 महीने में अध्ययन करके मुझे ये रिपोर्ट दी और मुझे जाते वक्त कहने लगे इस पर कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी, ये तो आंखों से दिखता है कितनी हरियाली बढ़ गई। और ये जब हरियाली बढ़ती है तो बिना पानी के तो बढ़ती नहीं है। तो ये जिस साइंस से ये काम हुआ है, यही रियल साइंस ऑफ नेचर है। तो जो साइंस ऑफ नेचर का काम है उसके लिए क्या रिसर्च करना है, ये तो आंखों से दिखती है हरियाली बढ़ गई। तो दोस्तों, जब तुम्हें बुखार चढ़ता है तुम क्या करते हो? जल्दी बोलो ना, पानी की पट्टी रखते हो कि नहीं सिर पे? फिर डॉक्टर को बुलाते हो कि नहीं? दवाई देता है वो, और फिर क्या कहता है डॉक्टर? कमरे में जाके आराम करना और थोड़ा पानी ज्यादा पीते रहना, यही कहता है ना पैरासिटामोल के साथ। ठीक, धरती का बुखार ठीक करने के लिए भी ये 3 काम करने होते हैं।
सबसे पहला काम है कि मिट्टी में मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, मॉइस्चर को बनाने के लिए जो भी पानी है उसको कंजर्व करके मिट्टी के साथ रखना है। और दूसरा है उसकी दवाई, दवाई धरती के बुखार की दवाई है हरियाली। हरियाली जो है वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके सॉइल में डाल देती है और ऑक्सीजन दे देती है एटमॉस्फेयर में, और उसके कारण टेम्परेचर कम हो जाता है। और तीसरा काम एक और करने की जरूरत है, माइनिंग जरा बंद कर दो, नदियों को पॉल्यूट करना बंद कर दो, नदियों में माइनिंग मत करो। ये नदियों को यदि आराम दे दोगे तो सर इस वक्त आपकी 70% नदियां छोटी मर गई हैं और सूख गई हैं, और 30% नदियां केवल पॉल्यूटेड वाटर के साथ फ्लो करते हैं। तो यदि आपको नदियों को जिंदा करना है तो नदियों को ठीक करने के लिए ये तीन काम करने की जरूरत है। मैं थोड़ा बस 5 मिनट में खत्म करता हूं। सबसे ज्यादा जरूरी है लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद ड्रेन पैटर्न। यदि आप पानी को देखें, सबसे ज्यादा खर्च होता है खेती में। खेती में 84% पानी अभी भी आप धरती से डिस्चार्ज करके सिंचाई करते हैं, तो उसको ठीक करना है तो लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न करना पड़ेगा। ये जो पानी को एक्सप्लोइट करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं, एवोपरेट करती हैं, उन क्रॉप को रोककर वर्षा के चक्र के साथ जोड़ने की जरूरत होगी। आप 40% पानी कम यूज कर सकते हैं और प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं उस तरीके से। उस प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। ये है मेरे टीचर जिन्होंने मेरी एक दिन में जियो हाइड्रो साइंस में और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में किए। उनका एक गीत सुनाता हूं। ये जब जा रहे थे इस दुनिया से उस वक्त बड़ा गीत गाते थे, जब भी इनको याद आता था। मैं दो बार नहाता था, अब दो बार नहाता हूं। मैं दो बार नहाता था, अब दो बार नहाता हूं। इसका मतलब है कि जब गांव में पानी नहीं था तब होली और दिवाली के दिन स्नान करता था पानी लाकर, अब दिन में दो बार स्नान करता हूं। हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। जब ये गया इतना खुश था इस धरती से, इस गीत के साथ गया। मैं दो बार नहाता था, अब दो बार नहाता हूं। मतलब जीवन में और क्या होगा कि मेरी जवानी इतने संकट में गुजरी और बुढ़ापा इतने खुशियों के साथ जा रहा है कि अभी गांव में जाके अपने तालाब में नहा लेता हूं। दोस्तों ऐसे दिन बदलते हैं। एक जमाना था जब हमारी पूरी वैली में हम 1200 गांव में काम कर रहे हैं। पूरे हर गांव के लोग बेपानी होकर, लाचार, बेकार, बीमार होकर शहरों के सेठों के यहाँ मजदूरी करते थे, और मजदूरी भी क्या करते थे, कमर पर बोरी रखकर ट्रक लोडिंग का काम करते थे। आज मेरे गांव के लड़के जयपुर के सेठों को रोजगार देते हैं। उनके ट्रक हमारी सब्जी दिल्ली की आजादपुर मंडी में और बंबई में दूर दूर तक लेके जाते हैं, और वहां राजस्थान का एक सब्जियों का कॉर्नर है, उस पे हमारी सब्जी दूसरी सब्जियों से 5 रुपए ज्यादा महंगी बिकती है। क्यों बिकती है? क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, हमने कभी केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज नहीं किया। तो ये परिवर्तन होता है। अब इसमें काम क्या हुआ, बस केवल इतना हुआ कि वो जो पानी पहले बह के चला जाता था इरोजन करता हुआ, उसको धरती में रोक दिया, एक सीरीज में रोक दिया। 11,800 जो डैम बांध जोहर बने वो एक सीरीज में बने, वो ऐसा नहीं कि एक इस गांव में बन गया एक वैसे, सब सीरीज में बनते चले गए। इसलिए पूरा एक्यूफर में एक्यूमुलेट होकर सारे एक्यूफर रिचार्ज हुए। हमें यदि देखें तो हमने खेती, ये जरा लाइट में दिख नहीं आया, पता नहीं गड़बड़ है तुम्हारे इसमें कुछ नहीं। तो ये जो पेड़ और खेती है हमने दोनों को साथ साथ किया। हमारे खेतों से फ्यूल वोड सब फोडर सब कुछ मिलता था और धरती से अनाज मिलता था, तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ के ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रोडक्शन से 4 गुना ज्यादा था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत इकोलॉजिकल डिजास्टर किया, अंडरग्राउंड एक्वीफर ओवरड्राफ्ट किए, सारा डिजास्टर उससे हुआ। दोस्तों बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। यदि आप देखें तो ये सूरज है, सूरज से निकलने वाली रेड हीट, जब सूरज से हीट निकलती है तब उसके अंदर गैस नहीं होती, केवल हीट होती है। वो हीट जहां भी जाती है वहां गैस बनाती है। जब ये हीट अरेबियन सी पे जाती है
तो अरेबियन सी के खारे पानी को डीसेलिनेट करके H2O गैस बनाती है, और वो जो H2O गैस है वो है ब्लू हीट बादल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये जो H2O गैस है, ये जो बादल है, ये किस तरफ जाएगा? किस तरफ जाएगा? हरियाली की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां प्रेशर कम होता है, वहां की हीट के कारण वो जो प्रेशर है वहां का थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो ब्लू हीट है ये हमेशा ग्रीन हीट पे जाती है। ग्रीन हीट क्या होती है? ग्रीन हीट भी एक गैस है। ग्रीन हीट धरती के अंदर से पानी को लेके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ट्रांस एवोपरेशन होता है ऊपर की तरफ, उसमें भी O2 और मॉइस्चर दोनों चीज होती है, वो जो है वो इनको बुलाती है। तो जैसे ये दोनों मिलते हैं बारिश हो जाती है। ग्रीन हीट और ब्लू हीट। लेकिन आप ये देखें इधर क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, ये है डिजास्टर, ये है मैन मेड रेड हीट। जब हमारी अरावली पर्वत नंगा हो गया तो उस पर जो गर्मी पड़ती थी उसके कारण हीट का रिफ्लेक्शन बढ़ गया और उसके कारण बादल रूठते थे, उसके कारण हमारा पूरा इलाका रेनसेडो रीजन हो गया था, बारिश नहीं होती थी। हम लोगों ने बारिश के बादल कैसे बुलाए? उस पूरी वैली में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए। उस जमाने में कहते थे डॉक्टर पागल हो गया है, उसने डॉक्टरी तो छोड़ दी, तालाब बनवाता है। तो गांव के लोगों ने पूछा फिर तुम क्यों बनाते हो? उसके कहने से कि वो जो आदमी बोलता है ना, वो 10-12 साल में 5 साल में उसकी बात सच्ची हो जाती है। वो आजकल एक गीत गाता है, क्या, जो पानी से पहले पाल बांधता है वो पानीदार रहता है। समझ में आया आपको? नहीं समझ में नहीं आया, तालियों में दम नहीं। जो पानी आने से पहले पाल बांधता है वो पानीदार रहता है, वो कभी बेपानी नहीं होता, उसके पास पानी रहता है, क्योंकि पानी तो कभी ना कभी आएगा। लेकिन यदि आपके पास पाल नहीं है तो वो मिट्टी को काटता हुआ बह जाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोगों ने वाटर बॉडी तो बना ली, लेकिन वाटर बॉडी बनने से बारिश थोड़े ही आएगी। तो फिर हमने क्या किया, हमने फिर ये जो ग्रीन जंगल है हमारे पास बहुत बड़ा सरिस्का का 1100 किलोमीटर का, उस पूरे जंगल का पानी हमारी तरफ से जाता था, तो उसको हमने डाइवर्ट करके अपनी वाटर बॉडीज में कैच कर लिया, पकड़ लिया। और जैसे ही हमारी वाटर बॉडी पेरिनियल हुई तो फिर क्या हुआ, क्या हो रहा है अब हमारे यहां भी H2O बनने लगा है। हमारा H2O बहुत कम है, धुएं जैसा है, पतला, बहुत इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं है, लेकिन H2O तो है ना, बादल तो है, ग्रीन ब्लू हीट तो है। ये जो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन है ये मैक्रो क्लाउड को अपनी तरफ बुलाने लगा। अरेबियन सी से मैक्रो क्लाउड आने लगे, अब ये दोनों मिल गए, अब क्या होगा, बारिश होने लगी। बस मैं इजाजत लेना चाहता हूं डीन साहब की, 2 मिनट में इस हाउस से पूछना चाहता हूं कि इनकी समझ में ये एडेप्टेशन मिटिगेशन का चक्कर क्या है, ये क्लाइमेट क्या है, ये सब क्या है। तो 3 मिनट में खत्म कर दूंगा आपकी इजाजत से। ये लास्ट स्लाइड है और आपके लिए है, ये स्लाइड मेरे लिए नहीं है, दिस इज द स्लाइड। देखो दो तरह के एलिडो इंपैक्ट होते हैं, एक धरती के ऊपर एक धरती के नीचे। और जब आप एडेप्टेशन में जाते हैं तो एडेप्टेशन की बहुत सारे डायमेंशन है, लेकिन ये जो एडेप्टेशन के डायमेंशन है इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी बिगाड़े बिना पॉजिटिवली अच्छा कुछ काम किया, बिगाड़ा नहीं आपका कुछ, केवल अच्छा अच्छा जीवन लाइफ स्टाइल देखना समझना, जब भी आपके व्यवहार में और संस्कार में वो वैसा पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, व्यवहार आता है, तो आप उस एडेप्टेशन की दिशा में बढ़ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एरो, ये जब हमारे 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए तो 17 लाख लोग शहरों से वापस अपने गांव में हुए। तो दिस इज द रेजिलियंस ऑफ द रूरल एंड अर्बन ग्रोथ। आप यदि अर्बन का प्रेशर बढ़ाओगे, पब्लिक प्रेशर बढ़ाओगे, तो आपकी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। तो आपने एक लॉन्ग टर्म एडजस्ट कर दिया, और ये जो ऊपर वाला है और ये जो बीच में रिफ्लेक्शन है हीट का,
ये जो ऊपर वाला है ये मिटिगेशन है। जब हमने काम शुरू किया था तब हमारे इलाके में केवल 2% ग्रीनरी थी, अभी ये ग्रीनरी इंक्रीज होकर 48% हो गई। इस ग्रीनरी में एग्रीकल्चर इंक्लूड है सर, एग्रीकल्चर को अलग नहीं कर सकते आप। तो बस अब आपको 2 मिनट देते हैं और डीन साहब को कहते हैं जरा इधर आ जाए, 100 नंबरों से हमें ये हाउस पास करना है और टाइम है 2 मिनट। तो मैं जल्दी से आपको ये मौका देना चाहता हूं, आप मुझे बोल के जल्दी बताइए कि आपने जो कहानी अभी देखी सुनी वो कहानी नहीं है, वो व्यवहार है, वो 40 सालों में हमने जो किया उसका इम्पैक्ट है। लेकिन उस इम्पैक्ट को इस स्लाइड में आप कैसे देख रहे हैं वो जल्दी से आपको बताना है, उस पर मैं मार्किंग करूंगा। डीन साहब आप पास हुए कि फेल हुए ये अनाउंस करेंगे, बस इतना काम है। 2 मिनट से लेकर 3 मिनट के कुछ मंगा दीजिए।